मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन, आज का दिन नई सरकार बनने जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच यहां पर मतगणना का काम प्रारंभ है। सुबह के 11 बज चुके हैं, अभी तक पूरी तरीके से परिणाम आ नहीं पाए हैं। जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो त्योंथर से बीजेपी आ गया है, मऊगंज से बीजेपी आ गया है, देवतालाब से बीजेपी आ गया है, रीवा से बीजेपी आ गया है, सिमरिया से बीजेपी आ गया है, सिरमौर से बीजेपी आ गया। माना जा सकता है मनगवा के परिणाम हमारे पास अभी तक नहीं है। त्योंथर से केवल और केवल कांग्रेस आ गया है, बीएसपी मऊगंज से आगे, बाकी सारी सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी अभी तक आगे है। अगर यहाँ पर बात की जाए कौन कितने वोट से आगे है तो मैं आपको बता दूं, सुबह के 11 बज चुके हैं, मेरे हाथ में जो कागज़ है अगर मैं उसकी बात करूं, यहाँ पर ऑफिशियल रिजल्टों की बात करूं, तो त्योंथर से लगभग नियर अबाउट 400 वोट से त्योंथर से कांग्रेस आगे है, मऊगंज से लगभग 450 वोट से बीजेपी आगे है, देवतालाब से लगभग 200 वोट से बीजेपी आगे है, रीवा से लगभग 800 वोट से बीजेपी आगे है, गुड़ से लगभग 300 वोट से कांग्रेस आगे है, सिमरिया से लगभग 700 वोट से बीजेपी आगे, सिरमौर से लगभग 600 वोट से बीजेपी आगे है। कहा जा सकता है त्योंथर, गुड़ कांग्रेस आगे है, सिरमौर, सिमरिया, रीवा से बीजेपी आगे है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद आजम।